अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। बच्चों, आज जो हैं हम जर्नल मैथ बीएससी जर्नल मैथ का एक पेपर है सप्ली 2019। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू जो है ना वो आपका कैलकुलस बीएससी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आपके बीएससी के चैप्टर टू में से आता है। तो वो क्या कहता है कि इफ़ वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, फाइंड डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, यानी एनथ डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। ठीक है, फिर बी पार्ट है। ठीक है, नाइन नंबर का ये फर्स्ट पार्ट है, एट नंबर का आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। बच्चों, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और आपको कहता है डी की एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन, एनथ डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले को अंदर से आपस में मल्टीप्लाई करा दें। तो ये है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस का बी। ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर ऊपर वाले का पावर टू है और नीचे वाले की भी टू है तो पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर कुछ और देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को अंदर रखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो ये एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक हो गया ये चीज़। अब साइन चेंज कर दें, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस। ठीक है जी, ये इससे कट हो जाएगा, बाकी बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं जी बच्चों, वन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है, यानी क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ये वाला ओवर डिवाइजर ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इस नीचे वाले को जो हमने ये मल्टीप्लाई किया था दोबारा इसी फॉर्म में लेके आ जाए। ठीक है, इसको दोबारा इसी फॉर्म में लिख दें, ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। लीनियर है और नॉन रिपीटेड हो है, तो लेट ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। ठीक हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, पुट मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस ए से कट हो जाएगा, एक्स माइनस बी रह जाएगा, जब इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस बी कट हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। ठीक हो गया, नेक्स्ट पुट कर दें एक्स माइनस ए को ज़ीरो, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू टू में पुट कर दें, जहाँ जहाँ एक्स है टू पुट कर दें, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, तो ये तो इससे कट हो जाएगा। आगे आ जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस ए, ये तो ए माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी को नीचे लें, ए की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी। ठीक हो गया, अब आपने पुट कर दो x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इज इक्वल टू बी आ जाएगा बच्चों आपके पास। ये पुट कर दो x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन टू में, तो हम पुट करेंगे जैसे ही, तो आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी ओवर, हाँ जी ए एक्स की जगह बी पुट करेंगे तो बी माइनस बी ज़ीरो आ जाएगा और ये बी माइनस ए हो जाएगा, ये इसे ख़त्म, अच्छा ये इससे कट हो जाएगा, तो ये बी स्क्वेयर ओवर बी माइनस ए, बी की वैल्यू निकाल लें बी स्क्वेयर ओवर बी माइनस ए। ठीक है, अब इस ए और बी की वैल्यू आप इक्वेशन वन में पुट कर दें। ठीक है बच्चों, आप इक्वेशन वन थी ये वाली, इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दें, तो जैसे ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये चीज़,
ए स्क्वेयर ओवर ए माइनस बी एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए माइनस बी एक्स माइनस बी। ठीक हो गया, यहाँ से बी माइनस ए आया तो माइनस का मान ले लिया हमने, बाहर ले लिया तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इक्वेशन ए बिकम, अब इक्वेशन इसकी वैल्यू आप इक्वेशन ए में पुट कर दें, यानी यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू वन प्लस, आगे ये चीज़ आ जाएगी, ये आ गया बच्चों वाई इज इक्वल टू वन प्लस दिस। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलें जी अब हम क्या करते हैं, ये देखो एक्स माइनस ए है ना, इसको ऊपर ले जाएं तो एक्स माइनस ए की पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको भी एक्स माइनस बी है इसको भी ऊपर ले जाएं, ये एक्स माइनस बी की पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक हो गया, अब क्या करें, मुझे एनथ डेरीवेटिव फाइंड करना है तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलें जी अब हमारी गेम स्टार्ट हो रही है डेरीवेटिव डिफ्रेंशिएट करने की। हाँ जी, डी वाई ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव जीरो, ए स्केयर और एक्स ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर पावर रूल, पावर नीचे पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा ए का जीरो हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगा। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बी स्केयर ओवर ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर आ जाएंगे, एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर नीचे पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी एक्स माइनस बी के, तो एक्स का वन बी का जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसी का एक और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दिस दिस ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, अब फिर पावर नीचे तो माइनस टू नीचे आ जाएगा, पावर में की कमी, एक्स माइनस ए की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और इसी तरह बी स्केयर माइनस वन पावर नीचे माइनस टू एक्स माइनस बी की पावर माइनस थ्री ओवर ए माइनस बी, यानी ये थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। कैसे बचो ये देख लें जी, जी सेकेंड डेरिवेटिव हमने लिया तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, जी ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव लें आप इसी का एक और डेरिवेटिव लें जी, इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारा कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर नीचे पावर में की कमी माइनस फोर हो जाएगा। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे पावर में की कमी माइनस फोर, बाकी ये तो सेम हो, ये तो सारे कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको बनाने लगे हैं, कैसे लिखेंगे, ए स्केयर वैसे आ जाएगा, अच्छा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा माइनस वन की पावर थ्री, आगे क्या बचेगा थ्री टू वन, तो थ्री का फैक्टोरियल बन जाएगा। अच्छा ये है एक्स माइनस ए की माइनस फोर, इसको नीचे ले आए तो ये प्लस का फोर आ जाएगा नीचे। इसी तरह आप इसको बना लें माइनस वन माइनस वन माइनस वन कॉमन ले लें तो माइनस वन की पावर थ्री आ जाएगा, और थ्री टू वन थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस फोर है इसको नीचे ले आए तो प्लस का फोर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि जब थर्ड डेरिवेटिव था तो माइनस वन की पावर कितनी थी थ्री और थ्री फैक्टोरियल, और नीचे पावर फोर है, थ्री है तो फोर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव है इधर भी थ्री और नीचे फोर, यानी एक थ्री में एक ऐड कर दें। अच्छा अगर फोर होगा तो ये फोर हो जाएगा, फोर फैक्टोरियल इधर फाइव हो जाएगा, जैसा कि ये देखो। ठीक हो गया, तो इसी तरह ये आ जाएगा फोर है फोर और नीचे फाइव, अगर फाइव करेंगे तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा, ये फाइव फैक्टोरियल ओवर सिक्स, ये तो सेम है, ये वाले तो सेम आ जाएंगे, तो ये देखो बचो। ठीक है, डी फाइव वाई ओवर डी एक्स की फाइव माइनस वन की पावर फाइव, फाइव फैक्टोरियल ओवर सिक्स, इसी तरह ये आ जाएगा। देखें फाइव है तो इधर सिक्स आ रहा है, ऊपर फाइव फाइव आ रहा है, अब टू सॉन करते जाओ, अब जब एन निकालेंगे ठीक है तो इधर एन आ जाएगा और इधर एन प्लस वन आ जाएगा, इसी तरह इधर एन फैक्टोरियल नीचे एन प्लस वन, तो ये देखें बच्चों डी की एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू दिस एन एन नीचे एन प्लस वन, ये भी एन एन फैक्टोरियल एन प्लस वन। ठीक है, आप देखें इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है जी, माइनस वन की पावर एन भी कॉमन आ रहा है, एन फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, और ए माइनस बी भी कॉमन आ रहा है, ये बाहर कॉमन ले लें तो इधर बचेगा ए स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस ए की पावर एन प्लस वन, और इधर बचेगा बी स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस बी की एन प्लस वन, विच इज़ द रिक्वायर्ड डेरीवेटिव। ये आपका नौ नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर आप इसी तरह कर देते हैं तो आपके नौ नंबर पूरे आ जाएंगे।
जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट, इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स, शो डैट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई डैश ऑफ एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है वाई डबल डैश है तो हमने इस फंक्शन का टू टाइम डेरीवेटिव निकालना है और ये कंडीशन मैंने प्रूव करनी है। जी बच्चों, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एम आर्क साइन इनवर्स एक्स यानी साइन एक्स, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं यानी कि साइन इनवर्स एक्स। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें। हाँ जी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप दोनों तरफ एक्स से इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा वाई डैश ऑफ एक्स साइन, और ये सारा आपका यू है, तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस यू, फिर डी यू ओवर डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, एम तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। फिर देखें साइन यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस यू, आगे फिर इस एंगल का डेरिवेटिव, एम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर दिस, ठीक हो गया। अब स्केयर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसका एक और डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे स्केयर रूट है तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी आसानी के लिए मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ, दोनों तरफ इसका भी स्केयर ले लें इसका भी ले लें, तो ये आ जाएगा जब ये स्केयर रूट से ख़त्म हो, यह आ जाएगा वाई डैश स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स, ठीक हो गया। स्केयर रूट जब इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा वाई डैश ऑफ एक्स होल का स्केयर, इसका स्केयर लेंगे तो एम स्केयर, और ये बन जाएगा कॉस स्केयर दिस, ठीक है। अब कॉस स्केयर क्या होता है, वन माइनस साइन स्केयर, ये वैसे आ जाएगा एम स्केयर, वैसे कॉस स्केयर को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्केयर दिस एंगल, ठीक हो गया। एम को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। अब ये देखें ये चीज़ क्या है आपकी, ये है बच्चों आपका वाई ऑफ एक्स, यह है साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स, वाई ऑफ एक्स है, अगर इसका स्केयर है तो वाई ऑफ एक्स का स्केयर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें इसकी वाई ऑफ एक्स का स्केयर कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब एम स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो एम को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्केयर माइनस एम स्केयर वाई स्केयर ऑफ एक्स। जी बच्चों, आ गया वन माइनस एक्स स्केयर वाई डैश ऑफ एक्स का स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर माइनस एम स्केयर वाई स्केयर ऑफ एक्स। अब क्या करें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर दें, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पावर रूल लगाओ, पावर नीचे पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वाई डैश है, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा, प्लस दूसरा वैसे ये वैसे आ जाएगा डेरिवेटिव पहले का, तो वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव लें तो पावर रूल लगाएं पावर नीचे पावर में की कमी डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी वाई की तो इसका जब डेरिवेटिव ये बन जाएगा वाई डैश ऑफ एक्स ठीक है बच्चों अब ये देखें यहाँ पे है टू वाई ऑफ एक्स इधर भी है टू वाई डैश ऑफ एक्स इधर भी है टू वाई डैश ऑफ एक्स इधर भी है और टू वाई डैश ऑफ एक्स इधर भी है तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड है टू वाई डैश ऑफ एक्स जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाएगा ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस हाँ जी जहाँ से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा टू और एक वाई डैश ऑफ एक्स ख़त्म हो जाएगा तो बाकी बन जाएगा माइनस का एक्स वाई डैश ऑफ एक्स प्लस हाँ जी इसको उठा के इधर ले आए तो जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टू वाई डैश ख़त्म बनेगा माइनस एम स्क्वायर वाई ऑफ एक्स जब इसको उठा के राइट साइड पे ले आएंगे लेफ्ट साइड पे इक्वल की तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हेंस प्रूव ये आपका आठ नंबर का क्वेश्चन था ठीक है बच्चों नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे अगर किसी क्वेश्चन की किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।